नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा इस वक्त मौजूद हूं सिरसा के प्रीत नगर गली नंबर 9 में। साथियों, मेरे आने का कारण ये है क्योंकि एक महिला के घर में एक व्यक्ति द्वारा पत्थर मारे जाते हैं और इसके साथ साथ गाली गलौच भी की जाती है। जानते हैं पूरी कहानी क्या है, पूरा मामला क्या है। नमस्कार जी, क्या नाम है? नमस्कार जी, जी मेरा नाम डिंपल फुटेला है। हाँ। जी मेरे, मैं घर पे अकेली रहती हूँ जी। हाँ। कोई मेरा नहीं, मेरा बच्चा काम पे जाता है, आदमी मेरा काम पे जाता है जी। हाँ। ये सुबह मेरे को, मैं बाहर खड़ी कपड़े धो सुखा रही थी, आते पहले इसने मेरे को गंदी गंदी गाली निकाली। हाँ। मैं ये कर दूंगा तेरा, बहुत गंदी गाली निकाली जो मैं बोल ही नहीं सकती किसी के सामने। उसके बाद मेरे को यहाँ धमकी दे के गया, तेना सामने देखूंगा आके। तो मैंने उसके बाद शिवम मेहता जी को फोन करा, मेरा बेटा है वो बड़ा, तो उन्होंने कहा आंटी जी आप एक बार अंदर बैठ जाओ चुप करके, हम बाद में आते हैं सारे जने। उसके बाद आके मेरे यहाँ आके दो आदमी लेके आया कार में और उन्होंने हॉर्न बजाया मेरे घर के आगे। उसके बाद मैंने बाद में मैंने ताले लगा के, तो मैं इंद्रजीत जी हैं यहाँ के मोहल्ले के, मैंने उनके घर जाके आराम से बैठ गई। उसके बाद मैं घर आई हूँ तो इसने ईंटें चलाई हैं, बट्टे चलाए हैं, ये पड़े आपके सामने जी। और मैं फिर फटाफट यहाँ से ऐसे ही भाग के चली गई यहाँ से इनके घर, ये भाई साहब जी के घर, इनके घर चली गई मैं। साढ़े घर जानते जी। तो कहता आप, आपके साथ भी मार पिटाई की गई? मार पिटाई नहीं, मैंने तो इनके ऐसे ही लेके गए थप्पड़ मारते, वो तो कह कुत्ते को गोली मार दूंगा, गोली मार दूंगा। तो गाड़ियां क्यों निकालता है आपको, क्या बात है? कहता सरकारी आदमी हूं मैं, जो कुछ मर्जी करवा सकता हूं, सरकारी आदमी हूं, डीसी डूसी ना मैं जेब में लेके गल लूं, ये कवे। और नहीं, आपके साथ लड़ाई क्या है, रंजिश क्या है, क्यों? कोई है ही नहीं जी, वो उधर रहते हैं जी, हम इधर रहते हैं जी, हमारे साथ कोई लड़ाई ही नहीं है इसकी। तो लड़ाई नहीं है, और किसी को गाली नहीं निकाली आपको, किसी ने? सारे मोहल्ले को ही निकालता है जी गाली गंदी गंदी, सब मोहल्ला दुखी है। ये देखो सारा मोहल्ला खड़ा है जी, सारा मोहल्ला मेरे साथ है, सब मोहल्ले वालों को गाली निकालता है, सबको गालियां निकालता जी, सबके साथ रंजिश है भाई साहब, सबके साथ रंजिश है। पहले मेरे साथ हुई, इसको बोल के गया मेन बात, अब मैं ज़्यादा बात कहने नहीं चाहता। मेरे को किसी घर मेरे बच्चों का आना जाना पसंद नहीं है, तो मैं उस पर कंट्रोल कर सकता हूँ ना। इसका घर है 5-6 मकान छोड़ के, ये लड़की भी अपनी बेटियों जैसी है, मेरी गोद की है। मेरे को नहीं कुछ अच्छा लगा तो मैंने मेरे बच्चों पे कंट्रोल कर दिया, ना पाना ना जाना, घर से बाहर नहीं निकलना। मेरे साथ तो रंजिश इस बात की, क्यों बंद करा? 4-5 दिन पहले आया, मैं घर पर नहीं था, इसको बोला थप्पड़ मार के मुंह निकाल दूंगा। दे सकते हैं साथियों, डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और एक घर में आप दे सकते हैं ये ईंट पड़ी है और किस तरीके से यहाँ पर एक घर में ईंट फेंकी गई है और ईंट से हमला किया गया। आप दे सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ईंटें पड़ी हुई है, आप दे सकते हैं। डायल 112 की टीम भी पहुंच चुकी है, अशोक कुमार जी पहुंच चुके हैं। हाँ जी अशोक कुमार जी, आपका स्वागत है, क्या कहना चाहोगे? आदमी भाई भाई, हमारे पास गली नंबर 9 से कॉल आई है कि हमारे घर में भाई झगड़ा हो रहा है और ईंटों की पथराव की वो बरसात कर रहे हैं, लेकिन मामला तो अभी पता चलेगा, तो मैं पूछताछ कर रहा हूँ। ये जो आदमी है पथराव करता है, ये यहीं रहता है या कहीं दूर रहता है? नहीं जी पीछे रहा है, इसका तो घर बहुत पीछे है जी, हमारा घर यहाँ पे है जी। मैंने तो अभी से बात करा के, क्यों कुचरनी कर रहे हैं? इसने दारू पी रखी है जी सुबह की। नहीं कुचरनी क्यों कर रहा है, आपके घर के सामने आके कुचरनी क्यों करता है? इसका इसके घर में आना जाना है ज्यादा जी, तो हमने इसको कभी कुछ नहीं कहा। ये मैं इनके साथ बोलती चलती हूँ ना, तो ये कहता भी तू इनके साथ क्यों बोलती है, भी मैं तू इनके साथ मत बोल, मोहल्ले वालों के साथ तू, तू अपने घर पे बैठ, मैं अपने घर पे बैठी हूँ, मैं तेरे को तो मैंने कुछ कहा ही कौन नहीं। तो सुबह की माँ बहन कितनी गंदी गंदी बूंदी बूंदी गाली निकाल रहा है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है? क्या कहना चाहोगे? कहना चाहता हूँ सर जी, कार्रवाई होनी चाहिए इस बंदे पे, अकेले होते हैं घर के अंदर, कल को कुछ भी कर सकते हैं ये। मैं तो यही कहना चाहता हूँ सर जी, बस पत्थर फेंके इट्टे उट्टे फेंक दिए, मैं तो काम पे था, काम से फोन करके बुलाया इन्होंने। साथियों आप देख सकते हैं किस तरीके से एक घर में पथराव किया जाता है, ईंटें फेंकी जाती है और गंदी गंदी गालियां एक महिला को निकाली जाती है। डायल 112 की टीम मौके पर है और पूरा जो मोहल्ला है वो इकट्ठा हो चुका है। हाँ जी भाई, किस तरीके से यहाँ पर पूरा मोहल्ला है वो इकट्ठा हो चुका है। हाँ जी हाँ जी अंकल की कसम है, गलत बात ना करो, लड़ाई झगड़ो ना करो, आपसे ना बने तो ना बोलो, गली मोहल्ला इकट्ठा प्रेम से रहो, ना बने ना बनो, दूसरों लड़ाई ना करो, यही बात बोलनी है, यही बात बोल रही हूं अभी मैं, यही बात बोल रही हूं। अब दूसरे पक्ष से हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, आखिरकार आप इनसे पंगा क्यों ले रहे हो, क्यों इंटे बरसाई, उनसे भी जानते हैं। मामला ये था कि हम आए थे गाड़ी लेके, हमारे दोनों भाई भाइयों का मामला था,
ये लेडीज इसको अकेली को देख के मतलब यहाँ से निकालना चाहती है। मेथड ये था कि ठीक है इनका कोई रोला देगा नहीं है, कह रहे हैं कि भट्ठा मारे तो कोई प्रूफ तो करो। आप ऐसे मैं ही कह सकता हूँ, पत्रकार सोनू जी ने मेरे को आगे लट मार दिया तो कोई प्रूफ होना चाहिए इस चीज़ का, बगैर प्रूफ कोई हो सकता है बताओ आप पत्रकार साहब। एक मिनट, मैं भी कह सकता हूँ जी हमारे घर पे पत्थर मारे, इसके सिर मार दिया, मेरे देखो चोट लग रही है, मेरे भी मार के गई अभी, इसका तो भी साथ ही क्या उनका पर्चा दोनों तरफ होना चाहिए हैं। ये तो नहीं होता ना, कोई एलिगेशन लगाओ तो उसको तथ्य के साथ करो। आप सारे दिन पॉलिटिक्स में रहते हैं, पूरी गली में एक बंदा खड़ा होके जो हम कहते हैं वो गवाही दे दे आगे, भाई ठीक है इनके पत्थर मारे हैं तो आप मान लेंगे, इनके कहने से तो कुछ नहीं होता। ये तो क्या पता क्या एलिगेशन लगा देंगे हैं, ये तो कह देंगे हमारे तो पिस्तौल चला दिया जी, अपने पास पिस्तौल कभी टिकड़ी वाला नहीं देखा अपने तो, भाई क्या होता है अपने भाई वो तो होली दिवाली पर, चलो ठीक है जो आपकी बात से एग्री यहाँ पर ठीक है, आप अभी डिपार्टमेंट से यहाँ ऐसा नहीं है भाई, ठीक है कोई गलत बात है तो आप उसकी नहीं करते अहमियत नहीं करते, लेकिन आप एक सामाजिक तत्व के साथ आप रहने वाले हैं, अगर कोई तथ्य है तो तथ्य के साथ बात करो, क्या दिक्कत है। चला तो आपको जाना भाई।